राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, बट थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। आप लोग तो अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग है कि दुर्गा पूजा हम लोग घूमने जा रहे हैं, और आज है नवरात्रि का पांचवा दिन। तो हम लोग चल दिए हैं घूमने। शाम का टाइम था, पति देव आए थे ब्रेक में, वो खाना खा लिए, सभी लोग खाना खा लिए, फिर हम लोग रेडी होकर निकल गए। हम बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी और दोनों देवर गए थे। हमें छोटी मम्मी गेट पे खड़ी है और दोनों देवर लोग, फिर बड़ी मम्मी भी आ गई थी। फिर हम लोग चले और आए गए तो बहुत दूर आगे जाने को बाबू घाटी आता है। यहाँ का हम बता नहीं सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ की जगह का हमको अच्छे से नाम पता नहीं है। जहाँ पे कोई ले जाते हैं वहीं पे चले जाते हैं, बट नाम का सही से हम ये नहीं, कहीं गलत भी बोल रहे होंगे। तो फिर हम लोग गए पहले एक बाबू घाटी, और यहाँ पे माता रानी का दर्शन किए। आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान करे सभी का घर अच्छे से सुखी रहे, शांति रहे। फिर हम लोग वहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेके निकल दिए, और अब जाएंगे आगे। और जहाँ भी रास्ते में दिख रहा था वहाँ हम लोग चले जा रहे थे। हम लोग तो फिर हम लोग आगे गए तो आगे एक और पंडाल मिला, उसके अंदर गए तो यहाँ पे भी माता रानी का बहुत अच्छा मूर्ति बना था। फिर हम लोग यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लिए। आप लोग यहाँ का सजावट देख सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से आशीर्वाद लेकर फिर आगे 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 फिर एक और पंडाल दिखा, फिर हम लोग वहाँ पे गए। और यहाँ पे पहले पता नहीं चला, पहले हम लोग अंदर गए तो एक ही जगह दिखा, दुर्गा माता का मंदिर। और सबसे प्यारा यहाँ पे लग रहा था बाहर में, जो ये धान का जो बाल होता है उसका यहाँ पे झाड़ लगाया हुआ था, और बहुत ज़्यादा इसमें धान के बाल का यूज किया गया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ का डेकोरेशन देख कर अंदर गए, और अंदर में जाकर देखो तो एक गोदाम जैसा था कुछ। वहाँ पे भी माता रानी का छोटा सा मूर्ति बनाया हुआ था, जो कि काफ़ी प्यारा था। हम लोग वहाँ पर जाके माता रानी से आशीर्वाद लिए। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो पता चला कि आगे चलो देखते हैं, कहीं आगे भी लोग जा रहे थे तो हम लोग देखे चलो हम लोग भी जाके देखते हैं, कहीं उधर भी होगा। तो आगे गए तो सचमुच आगे भी थी, और यहाँ पे एकदम मतलब थोड़ा सा लाइट कम था, और वहाँ पे ये माता रानी का मूर्ति बना था, वो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था। लाइट एकदम कम और वहाँ की माता रानी एकदम नेचुरल जैसा लग रही थी कि सचमुच की कोई देवी खड़ी है। फिर हम लोग यहाँ पे भी गए, यहाँ पे जाके माता रानी का आशीर्वाद लिए। हम लोग यहाँ का डेकोरेशन ये सब देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं कितना प्यारा सजावट किया गया है। हम लोग वहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेकर आगे चल दिए, और आगे गए तो फिर हम लोग एक पंडाल दिखा, तो हम लोग वहाँ पे भी गए माता रानी के दर्शन करने। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सजावट भी अच्छा था, और यहाँ पे बाजा ये सब बज रहा था, ढोलक ये सब लोग बजा रहे थे। फिर हम लोग अंदर गए और माता रानी का आशीर्वाद लिए। फिर हम लोग वहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, तो आगे गए तो एक और पंडाल दिखा। ये हम लोग टेघड़िया में गए थे, हाँ ये इसका पता है कि ये टेघड़िया में गए थे। तो यहाँ पे भी पंडाल दिखा, तो हम लोग अंदर गए और माता रानी का आशीर्वाद लिए। ऐसे कर करके हम लोग 4-5 जगह घूमे थे, बट मुझे जगह का आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि हाँ जगह का नाम क्या है। ये टेघड़िया है ये जानते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे भी माता रानी का दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। आप लोग यहाँ का सजावट ये सब देख सकते हैं।
फिर हम लोग वहाँ से भी माता रानी का दर्शन करके आगे आ गए। तो ये अपना जो गली है उसके बाहर वाले रोड पे एक ये पंडाल लगा हुआ था, वहाँ पे नहीं गए थे, जाते थे तो देखते थे पंडाल लगा हुआ है बट वहाँ पे नहीं गए थे। तो यहाँ पे माता रानी थोड़ा अंदर में है, रोड से अंदर में है। और फिर हम लोग यहाँ पे भी गए और माता रानी का दर्शन किए। फिर हम लोग घर भी लौटना था, जल्दी आना था क्योंकि पतिदेव को 7 बजे से निकलना था ड्यूटी और बड़ी मम्मी को भी काम था। तो फिर हम लोग वहाँ पे माता रानी का दर्शन किए और फिर हम लोग घर आ गए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर घर आने पे मेरा तबीयत सही नहीं है तो पतिदेव ला दिए थे डोसा, मसाला डोसा, तो हम लोग वही डोसा खाए। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।